बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए, दावत देने के लिए। यहाँ 1, 2, 3, 4 सितारे नहीं, पूरी पूरी गैलेक्सी है। जब मैंने आके यहाँ पे देखा, पूरी कहकशां जिसे उर्दू में कहते हैं, जब तारे बहुत एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो बनती है कहकशां, वो यहाँ पर है। अगर मैं बोलने भी नहीं आती तो सुनने ज़रूर आती। ना सिर्फ कि यहाँ बोलने वाले लोग, बोलने वाले तो देखे बहुत, लेकिन आप जैसे सुनने वाले कम देखे हैं मैंने। पिछले लगातार 2 घंटे से आप जिस तरह से दिल दिमाग आँखें लगाकर हम सबको सुन रहे हैं, इससे मेरे जैसे पत्रकार को बहुत हौसला मिलता है। यहाँ सामने मैं देख रही हूँ चमचमाते दमदमाते चेहरे भी हैं। ये फ़र्क भी होता है, ख़ासकर जब महफिल पुरुषों की हो या महिलाओं की हो। महिलाओं की महफिल में कुछ होना हो, एक बात ज़रूर होती है, रंग बहुत होता है। तो आपने शायराना पूरा माहौल और यहाँ सब रंगीन देखकर एक से एक खूबसूरत कपड़े, मुझसे पहले भी किसी ने कहा कि कपड़े में देखने आई हूँ, नेहा ने शायद कहा, तो मैं भी यहाँ देख रही हूँ। और इतने सारे रंग देखकर, जो मैंने पिछले 10 साल में इतने रंग नहीं देखे हैं। 10 साल की पत्रकारिता में सिर्फ मैंने रंगों का उड़ना देखा है, मैंने चेहरे से मुस्कुराहटों का गुम हो जाना देखा है, मैंने एक पूरे लोकतंत्र का कत्ल अपनी आँखों से होते देखा है। हर गांव, देहात, शहर जब मैं जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि किस तरीके से जो 75 साल में हमने बनाया था, 65 साल में बनाया था, वो पिछले 10 साल में किस तरह किरची किरची बिखर गया है। और जब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे होते हैं, तो महिलाओं की जो अधिकारों की बात है वो आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि देश तरक्की कर रहा है और महिलाएँ नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएँ तरक्की कर रही हैं और देश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और महिलाएं पीछे हैं। ये भी नहीं हो सकता कि महिलाएं पीछे रह गई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। तो आप ये समझिए कि महिलाओं के जो अधिकार, उनकी आज़ादी और उनके बराबर की जो जगह है, वो सीधे सीधे देश की तरक्की से जुड़ी हुई है। ये वो सरकार है, वो मर्दवादी सरकार है, वो मर्दवादी प्रधानमंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। मैं सोचती हूँ सीना तो मुझे मालूम नहीं कितने इंच का है, हो सकता है 56 इंच का हो, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है। तो ये छोटे दिल वाली सरकार, जिसमें न सिर्फ कि सिर्फ अपने जैसे लोग, अपने जैसे मर्दवादी लोग, अपनी जैसी पहचान के लोग, अपने जैसी भाषा बोलने वाले लोग, अपने जैसी विचारधारा के लोग, एक ख़ास तरह के 5-10% लोगों के लिए ये देश बनाकर बाकी 90% देश को, ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में चले गए, हो सकता है 22वीं सदी की भी बात करें, और उनको 18वीं सदी में छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो महिलाओं की जो सही जगह, जो ये समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रगतिशीलता की बात करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐप का जो बात कर रहा है न सिर्फ कि महिलाओं की, बल्कि प्रगतिशील सोच वाली महिलाओं की। ना इस सरकार में, उसकी योजनाओं में प्रगतिशीलता की कोई जगह है, ना महिलाओं की कोई जगह है। महिलाओं की जगह जो कई सौ साल पहले सोची गई थी कि सिर्फ रसोई घर और बेडरूम, किचन रूम और बेडरूम, इससे ज़्यादा महिलाओं की जगह इस सरकार की किसी नीति में नज़र नहीं आती। इस हद तक नज़र नहीं आती कि जब इतना बड़ा कदम उठाया गया कि महिलाओं के लिए हमारी जो विधानसभा और हमारी लोकसभाएं हैं संसद में और साथ ही विधानसभाओं में, जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब 30 साल पुरानी 33 साल पुरानी इस मांग को बाकायदा पूरा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किराए के टट्टू लाकर, किराए की औरतों को लाकर, आप यकीन जानिए इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है जब मैं ये कह रही हूँ आपसे, ये सेलिब्रेशन संसद में नहीं होना था। अगर वाकई महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कानून बनता तो ये जश्न सड़कों पर मनता। संसद में जो महिलाएं आईं संसद में, वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, वो फिल्म एक्ट्रेसेस थी, वो बीजेपी की तमाम जो उनकी सांसद हैं वो थी। सिर्फ उन लोगों ने, पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, आगे एक पुरुष खड़े हुए हैं, यानी इन महापुरुष ने हमें हमारी जगह दे दी है। महिलाओं की जो पूरी जो जगह है, जो इस लोकतंत्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सपोर्टिंग रोल में कर रहे हैं कि सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, यानी कि आप हीरो आप ही बने रहेंगे, सिर्फ समर्थन हम कर रहे हैं।
तो यहाँ इतने सारी महिलाओं को देखकर और एक सुर में बोलते देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि पिछले 10 साल में महिला एकता को मैंने इतना कम महसूस किया है, क्योंकि इस पूरे सरकार की जो विचारधारा है, ये सिर्फ 10 साल की विचारधारा नहीं, जो RSS की 100 साल की विचारधारा है उसका एक सूत्र है, और वो सूत्र है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों से इन्होंने एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीख ली, या मैं कहूँगी हो सकता है अंग्रेज़ों को इन्होंने ही सिखा दिया, वो ये है कि बांटो और राज करो। अब महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, महिला अब हिंदू महिला है, महिला अब मुस्लिम महिला है, महिला अब सिख महिला है, महिला अब ईसाई महिला है, महिला बीजेपी की महिला है, कांग्रेस पार्टी की महिला है, समाजवादी पार्टी की महिला है, उत्तर भारत की महिला है, दक्षिण भारत की महिला है, उच्च जाति की महिला है, दलित वर्ग की महिला है, पिछड़ी जाति की महिला है, अमीर महिला है, गरीब महिला है, संसद के अंदर बैठी महिलाएं, संसद के बाहर बैठी महिलाएं। अब आप मुझे एक ऐसा उदाहरण, मैं 3 मांगने जा रही थी, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो मोदी सरकार की जो महिला मंत्री हैं उन्होंने कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिससे देश की 4 महिलाओं को फायदा हुआ। आप में से किसी को कोई फायदा हुआ इस सरकार से? भाई आप देखिए कि रक्षा मंत्री से लेकर और वित्त मंत्री तक महिलाएं महिला हैं। आज तो सबसे बड़ी बात हो गई, सबसे कमजोर तबके की महिला यानी ट्राइबल कम्युनिटी से, हमारी आदिवासी समुदाय से एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या आपको कोई फायदा हुआ? क्योंकि फर्क इस बात का है कि जब तक वो विचारधारा सर पर रहेगी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं, राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं। जो विचारधारा है वो एक विचारधारा है, वो विचारधारा है भारत के एक समुदाय में एक जाति वर्ग का ये देश बनाया जा रहा है। आपको बार बार ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है इनमें से 90% से ज़्यादा लोग हिंदू समुदाय से आने वाले लोग हैं। क्या ये देश आपके लिए बनाया जा रहा है? आपके लिए बन रहा है देश? आपके लिए ऊपर? आप 3 तलाक के कानून का विरोध कैसे कर सकती हैं? मैं कहती हूँ सबसे पहले तो 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी कोर्ट नहीं गए, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट गई थी। ये लड़ाई मुस्लिम महिलाओं की थी, महिलाओं की इन जनरल, वुमेन इन जनरल, मुस्लिम वुमेन इन पर्टिकुलर, उन महिलाओं की लड़ाई थी जो कोर्ट गई थी। कोर्ट से उन्होंने फैसला लिया, दिलवाया, महिलाएं सालों तक कोर्ट में मुकदमा उन्होंने लड़ा और फिर फैसला आया कि भाई ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, यानी ये गैर संवैधानिक हो चुका। इसका मतलब कि जब 3 तलाक होगी तो जब वो कानूनी रूप से वैध ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इतनी बात पसंद नहीं आई, उन्होंने अब 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी आपको सज़ा भी मिलेगी। तो पहले मुस्लिम पुरुष अगर महिला को तलाक देता है तो पहले तो वो तलाक नहीं मानी गई, जब वो तलाक नहीं मानी गई, जब जुर्म हुआ ही नहीं तो सज़ा किस बात की? यहाँ पर मकसद ये नहीं था कि मुस्लिम महिला को इंसाफ दिलाना था, यहाँ मकसद ये था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मर्दों को जेल भेजा जा सके। एक और तरीका, एक और मैं कहूंगी चतुराई जिसके जरिए, वैसे तो उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं जेल भेजने के लिए, लेकिन एक और तरीका निकाल लिया कि देखिए हम प्रगतिशील लोग हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तमाम तरह की रूढ़ीवादी, पिछड़ी, जातिवादी, धर्मांतरता की तमाम नीतियों के बावजूद ये सरकार ये कहती है कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, हम सबसे बड़े महिलावादी लोग हैं, हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का नेता हूं, क्योंकि बड़ा ख़राब लगेगा अगर वो ये कहें कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों का नेता हूं। फिर पूरी दुनिया में कहां इनकी जो नेतागिरी है वो कैसे स्थापित होगी जब तक कि हम सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी नेतागिरी के लिए। दूसरी बड़ी बात, अभी आपको लग रहा होगा सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही इस्तेमाल हो रही हैं, चलिए कोई बात नहीं है, वो इनके एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो रही हैं मर्दवादी राजनीति के लिए। अब बात आती है हिंदू महिलाओं की, उन्होंने कहा कि भाई लव जिहाद पे हम कानून बनाएंगे। आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, भारत में 1 दर्जन राज्य इस वक्त ऐसे हैं जो एक तरह से या दूसरे तरह से जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया हुआ है। आधे से कुछ राज्य कम हैं ऐसे जहां
कानून बना हुआ है लव जिहाद के खिलाफ, चाहे आप उसको धर्मांतरण के विरोध में कानून कह लें, चाहे आप कहें कि डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी एक तरह से या दूसरी तरह से। यानी ये बताना चाहते हैं कि हिंदू महिला का अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसकी अपनी कोई समझ नहीं है। एक मुस्लिम लड़का आता है, आंखों में सुरमा लगाता है, बाइक पे बैठ के आता है और बाइक जैसे घुसा घुमा के लेके जाता है, वो उसका दिल भी साथ में ले जाता है। और मुस्लिम महिला ना प्रेम समझती है, हिंदू महिला ना प्रेम समझती है, ना नफरत समझती है, ना वो चाल समझती है, ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसे जीवन का कोई तजुर्बा है। ऐसा लगता है कि हिंदू महिला और एक गाय में कोई खास फर्क नहीं है। तो अब पहले मुस्लिम महिला को इस्तेमाल किया अपने एजेंडे के लिए, फिर हिंदू महिला को इस्तेमाल किया अपने एजेंडे के लिए। दोनों एजेंडा महिलाओं की भलाई के लिए नहीं था, ना वो मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए था, ना ये हिंदू महिलाओं की भलाई के लिए है, सिर्फ मर्दवादी मानसिकता को और ज्यादा गाढ़ा करने के लिए कि महिला अपने साथी का चयन कैसे करेगी, ये भी नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। ये सरकार तय करेगी कि महिला, हिंदू महिला अपने साथी का चयन कैसा करे। वही वाली बात कि देखिए आप महिलाएं हैं, जिस धर्म से आती हैं वहीं शादी कीजिए, जिस जाति से आती हैं वहीं शादी कीजिए। शिवा ने बहुत अच्छी बात कही और मैंने उससे पहले इस बारे में सोचा नहीं था कि कैसे जाति को भी बदलने का जो एक तरीका हो सकता था, ये जो इंटर रिलीजियस मैरिज है उसका स्कोप भी खत्म कर दिया गया कि चलिए आप एक धर्म में थे, दूसरे धर्म में चले गए, अब जाति की बाउंड्री टूट गई। जब धर्म चला गया तो जाति भी मेरे ख्याल से घुल गई होगी, शायद ऐसा कम होता है, तो वो भी स्कोप खत्म कर दिया गया। तो पूरे तरीके से 10 साल में, पिछले मैं कहूंगी कि 10 साल की, क्योंकि इवैल्यूएशन का वक्त भी आ गया है कि अब हम आकलन करें कि नरेंद्र मोदी के 10 साल को हम कैसे देखना चाहेंगे। अगर आप एक शब्द में मुझसे कहलवाना चाहती हैं तो मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है, धर्मांधता है, बहुसंख्यकवाद है, हर तरह की नफरत है, हिंसा है, लेकिन एक शब्द में अगर मैं कहूं तो पिछले 10 साल भारत में महिला विरोध के लिए जाने जाएंगे। एक दौर होता था जब मैं एनडीटीवी में काम किया करती थी और मैं जिस रोज नई जैकेट पहन लिया करती थी, बहुत सारी जो पत्रकारिता की छात्र छात्राएं होती थी वो ईमेल करके मुझसे कहती थी कि आपका जैकेट का रंग बहुत पसंद आया, आपके मुझे बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद है, कोई कहती थी आपका हेयर स्टाइल मुझे पसंद है, कोई कहती थी आपके जैसी मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ। 10-12 साल पुरानी बात है। और कहती थी कि उन मुझ में एक तरह का आदर्श वो देखती हैं। आज वो महिलाएँ, वो जो लड़कियाँ होती थी, जो स्टूडेंट होती थी, आज वो अलग अलग चैनलों में काम कर रही हैं, वो रिपोर्टर हैं और एंकर हैं, और मेरे ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कहती हैं कि चुप रहो तुम आतंकवादी हो। जो एक वक्त में मेरी फैन गर्ल्स हुआ करती थी, जो मुझसे प्रेरणा लेती थी, मेरे जैसी पत्रकार बनना चाहती थी, मेरे जैसी एंकर बनना चाहती थी, मेरे स्टाइल को कॉपी करना चाहती थी, आज उन्हें मुझ में न पत्रकार दिखता है, न एंकर दिखता है, न महिला दिखती है, न रिपोर्टर दिखती है, उन्हें मुझ में सिर्फ एक मुसलमान दिखती है। इस तरीके से महिला एकता को तोड़ा गया है हर बरादरी में। अब आप ये देखिए, इनको महिलाएं ऐसी चाहिए जो महिला विरोधी हों, इनको मुस्लिम ऐसे चाहिए, मुस्लिम नेता ऐसे चाहिए जो मुस्लिम विरोधी हों, इनको दलित नेता ऐसे चाहिए जो दलित विरोधी हों, इनको किसान नेता ऐसे चाहिए जो किसान विरोधी हों, इनको आदिवासी नेता ऐसे चाहिए जो आदिवासी विरोधी हों। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो सर्वोपरि है वो उनकी विचारधारा है, उनका अपना एजेंडा है। और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के लोग लगातार मिल रहे हैं और बन रहे हैं, मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं हाल ही के दौरे में देखकर आई हूँ कि मुस्लिम समुदाय में एक तबका पैदा हो गया है इस तरह के लोगों का, जो अब भाजपा के लिए सड़क पर, गली मोहल्लों में समर्थन जुटा रहा है। एक ऐसा पूरा तबका पैदा हो गया है। तो जो एलीट मुसलमान था वो सोच रहा है 10 साल हो गए सत्ता से बाहर, कब तक मैं बाहर रहूँगा, कब तक हम बाहर रहेंगे, ये तो बहुत हो गया, अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। तो वो भी जाकर उनसे मिल रहे हैं, और आप देखिएगा एक बार अगर और सत्ता में आ गए तो बहुत सारे एलीट मुसलमान उस तरफ चले जाएंगे। जो गरीब मुसलमान है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। भारत की जो 80 करोड़ जनता है वो अपने रोज़मर्रा के खाने के लिए
वो भारत की सरकार पर डिपेंड करती है, भारत की सरकार पर निर्भर है कि उसको रोज अन्न मिल सके, उसके मुंह में खाना जा सके। इसके लिए भारत की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। ऐसे लोगों से आप ये उम्मीद करते हैं कि उनका अपना आत्मसम्मान होगा, उनकी अपनी कोई सोच होगी, उनका अपना कोई सपना होगा, उनको जीवन जीने का कोई जरिया कोई तरीका होगा, उनको वोट देने की कोई समझ बूझ भी होगी, जो अपने रोज़मर्रा के खाने के लिए, और वो पैकेट्स जो आते हैं खाने के, आप देखिएगा कभी उन पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होती है, उनमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर होती है। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे गांव देहात में अब ये समझने लगी हैं कि हमारे लिए जो रोजी रोटी का साधन है, वो पति होते थे पहले, पिता होते थे पहले, बेटा भाई होता था, अब मोदी जी हमारे घर में अनाज ला रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी है। तो मैंने आपको बताया कि एलीट तबका उधर जा रहा है, पहले ही वहाँ कोशिश कर रहा है, वहाँ मैं कहूँगी कि धागे डालने शुरू हो गए हैं, और जो गरीब आदमी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 5 किलो अनाज के बदले अपने वोट का सौदा कर सकता है। और मैं उसके लिए उसे आरोपित नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका कसूर है। ऐसे में सिर्फ एक मिडिल क्लास बचा है, वो मिडिल क्लास जो दफ्तर जाता है तो उसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, जो वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि वो शाम को सही सलामत वापस आएगा या नहीं। आज मुस्लिम घरों में ये चर्चाएं होती हैं कि सिर्फ आपका घर जलाना तो दूर की बात है, वो तो अक्सर होता ही रहता है कि कब किसके घर पे बुलडोज़र जले, कब किसका घर जला दिया जाए। आज मनोस्थिति ये है, इस कदर सांप्रदायिकता बढ़ चुकी है कि पता नहीं कौन दाढ़ी टोपी वाला जा रहा है और दूसरा सर फिरा। इसके लिए बीजेपी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, कौन सर फिरा सिर्फ उसको उसकी पहचान देखकर उसके ऊपर हमलावर हो जाए। इसके लिए बाकेट मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सड़क पर जो फुट सोल्जर्स हैं, जो उस तरह के सैनिक तैयार कर दिए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने में समझते हैं कि उनका धर्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए कि क्यों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक कांस्टेबल उन लोगों की हत्या करता जिनकी सुरक्षा के लिए उसकी नौकरी है। किस मन से, किस मस्तिष्क से उसने वो अपनी सर्विस राइफल उठाई होगी और अलग अलग कोच में गया होगा, वहां मुस्लिम दिखने वाले जो लोग थे उन्हें छांट कर उसने 3 का कत्ल कर दिया, और साथ साथ अपने उस साथी, अपने सीनियर का भी कर दिया जो उसने कहा कि अच्छी बात नहीं है। तो ये इस तरह के सैनिक सड़कों पर और तैयार हो रहे हैं, जमीन पर तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए अब जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि आरएसएस की विचारधारा कहाँ तक ये पेवस्त हो गई है। मैं कहती हूँ कि वो लोग जो आज आरएसएस की विचारधारा में यकीन रखते हैं, उनको पता भी नहीं है कि आरएसएस क्या चीज़ है या विचारधारा क्या चीज़ है। उनको सिर्फ एक सोच ने, उस कीड़े ने काट लिया है जिससे उनकी समझ में आ गया, अब उनको आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। आज वो दौर है कि अभी मैं वोटर का जिक्र कर रही हूँ, मैं नेता का जिक्र कर लेती हूँ। दानिश अली का किस्सा सुना होगा आपने, न सिर्फ कि मुस्लिम समाज में वोटर की कोई हैसियत नहीं है, नेता की भी सिर्फ इतनी हैसियत है कि उसके साथ का नेता, यानी मुझे, मेरे पत्रकार सहयोगी, मेरे ही समुदाय की, मेरी जो सबसे बड़ी मैं अपनी पहचान समझती हूँ, हर एक पहचान से अलग वो है मेरी पेशे की पहचान, कि मेरी सबसे बड़ी बिरादरी, सबसे प्रोमिनेंट जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये कि मैं एक पत्रकार हूँ, उसके बाद मैं महिला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि मेरी पहली पहचान है कि मैं एक पत्रकार हूँ। जिस शिद्दत के साथ पिछले 20-22 सालों से मैंने इस पेशे को जिया है, सिर्फ किया नहीं है बल्कि जिया है, आज जिस तरह से मेरी ही सहयोगी महिला पत्रकार मुझे आतंकवादी कहती हैं ट्विटर पर, इसी तरीके से दानिश अली को उनके ही सांसद सहयोगियों ने संसद में आतंकवादी कह दिया। तो आज जो पूरे 10 साल की जो ये कोशिश है, और 100 साल की आरएसएस की कोशिश और 10 साल की जो बीजेपी की कोशिश है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कल्मिनेशन, यानी उसका रंग दिखने लगा है, उसका नतीजा अब दिख रहा है कि 10 साल की जो नफरत है अब वो सड़कों पर आ गई है। न किसी बीजेपी की ज़रूरत है, न किसी आरएसएस की ज़रूरत है। एक किसान दूसरे किसान का दुश्मन, मजदूर दूसरे मजदूर का दुश्मन, पत्रकार दूसरे पत्रकार का दुश्मन, नेता दूसरे नेता का दुश्मन,
न्यूज़ रूम्स में देखिए आप किस तरह के हालात हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बड़ी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मीडिया में हम अक्सर जिक्र करते हैं कि मीडिया में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बहुत अच्छी है। मैंने तो इस तरह के न्यूज़ रूम्स में भी काम किया जहाँ हर डिपार्टमेंट की जो चीफ थी वो महिला थी। NDTV एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ हर डिपार्टमेंट में जो उस डिपार्टमेंट को हेड करती थी वो महिला थी। लेकिन उस दौर से इस दौर में भी देखा है कि आज भी आप प्राइम टाइम में जब TV खोलती हैं तो आप ज़्यादातर किसको देखती हैं? महिलाओं को देखती हैं? देखती हैं सूट बूट पहने हुए, आस्तीन वास्तीन चढ़ाकर तमाम महिलाएं, तो आप कहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो महिलाएं इस तरह की महिलाएं हैं कि उनका शरीर दिखता है महिला जैसा लेकिन उनकी जो सोच है वो पुरुषवादी है। तो हर तरफ इस तरह के लोग चाहिए जो कमज़ोर तबकों को, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप ये समझिए कि जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, इसकी ज़रूरत किसको है? क्या आपको लगता है अंबानी और अडानी को संविधान की ज़रूरत है अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या उनकी पूरी कैबिनेट या उनके सांसद या उनके नेता, तमाम अमीरों को, तमाम ज़मींदारों को, तमाम वो लोग जो कि शहरों में इस पूरा जो कैपिटलिज्म है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उन सबको ज़रूरत है संविधान की? संविधान की ज़रूरत है इस देश के सबसे कमज़ोर नागरिक को। संविधान के जो अधिकार हैं, ये बहुत अहम बात है, इसको ज़रूर आप ध्यान से सुनिए कि संविधान के जो अधिकार जो हमें संविधान देता है वो अगेंस्ट द स्टेट देता है, यानी सरकार के खिलाफ। यानी यहाँ पे ये माना जा रहा है कि सरकार आपके अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगी, जो स्टेट है वो आपके अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगा, इसलिए संविधान है, ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, क्योंकि वो एक किताब जो सारी किताबों से ज़्यादा पाक किताब है, आज हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, तमाम समुदायों के लिए, क्योंकि वही एक किताब है जो तमाम धर्मों के लोगों को उनका धर्म मानने की आज़ादी भी देती है, उन्हें अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी वही किताब है। आज सबसे ज़्यादा हमला उसी किताब के ऊपर है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, जो खतरे में है वो संविधान है। बिना संविधान की हत्या किए ना ये हिंदू की हत्या कर सकते हैं, ना मुसलमान की हत्या कर सकते हैं, ना नॉर्थ ईस्ट में हमारी बहन को नंगा घुमा सकते हैं, ना नूह में लोगों के घर तबाह कर सकते हैं, ना फिर संसद में यहाँ दानिश अली को गाली दे सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ संविधान पर वार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए यहाँ पर। आपके अगर कोई सवाल होंगे इसका भी मैं जवाब दूंगी। शुक्रिया।